दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। करीब 8 वर्ष पहले ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों में हुई लगभग 4 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा ईओडब्ल्यू ने शिकायत के बाद जांच उपरांत जिला न्यायालय में 12 लोगों के खिलाफ 600 पन्ने का चालान पेश किया है। मामला है उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महरोई का है, जहां सरपंच से लेकर अन्य विभागों के बड़े अधिकारियों ने जमकर निर्माण कार्यों में शासकीय राशि का दुरुपयोग किया। मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा ईओडब्ल्यू ने शिकायत की गई, जिसमें जांच अधिकारियों ने निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता पाई। इसके साथ साथ लगभग 4 करोड़ रुपए की शासकीय राशि का दुरुपयोग करना पाया गया। जांच उपरांत जिला न्यायालय में 600 पेज का चालान पेश किया गया है। इस बड़े घोटाले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं सभी आरोपियों को 5,000 की एक दिन की जमानत पर रिहा किया गया है। अपराध प्रकोष्ठ का रीवा का अपराध क्रमांक 12-17 के संबंध में आज माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के यहाँ पर चालान पेश किया गया। अपराध महरोई ग्राम पंचायत में हुए करप्शन से संबंधित है। अपराध का घटना का समय लगभग वर्ष 2014 से 2017 के बीच का है। आज 11 मुलजिमों के विरुद्ध चालान पेश किया गया, जिसमें एक मुलजिम का निधन हो जाने के कारण उसको माननीय न्यायालय को सूचित कर विचारण से पृथक किया गया। शेष मुलजिमों में से उपस्थित मुलजिम पुष्पा प्रधान को जमानत पर न्यायालय द्वारा रिहा किया गया। साथ ही अनुपस्थित आरोपियों के विरुद्ध, अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया। मामला क्या था ये का? मामला ग्राम पंचायत महरोई, तहसील मानपुर, जिला उमरिया में पंचायत में ग्राम पंचायत में वर्ष 2013 से 2017 के बीच हुए भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत के सत्यापन उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका चालान पहला आज 173-8 का माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया। आज किस टाइप का अपराध था इनका? अपराध में मेण बंधान संबंधित कार्यों में, सड़क निर्माण संबंधी कार्यों में, तालाब निर्माण संबंधी कार्यों में बड़े व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसकी विवेचना पूरी की जाकर आज चालान 173-8 का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनुमानता है भ्रष्टाचार की राशि का जो विवेचना की उपरांत जानकारी आई वो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की राशि। कुछ अपराधियों के नाम, आरोपियों में जो शासकीय सेवक हैं, जिसमें रिटायर्ड डीएसपी डीसी ठाकुर, उपयंत्री टीवी सिंह, उपयंत्री भरत मंडलोई, उपयंत्री अनिल इनवाती, उपयंत्री बीपी खरे, इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। शेष 11 मुलजिम, जिनमें सरपंच, सचिव और कुछ हितग्राही हैं ग्राम के, उनके विरुद्ध चालान पेश किया गया है। रिटायर्ड भी हैं कोई ऐसा? रिटायर्ड डीसी ठाकुर एसडीओ आरईएस से रिटायर्ड हैं, उन आरईएस के एसडीओ और सब इंजीनियर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 173-8 के तहत सीआरपीसी पूरक अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।